सर नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे पशु जैसे कि गाय व भैंस इत्यादि के प्रेग्नेंट हो जाने के बाद में या उनके गाभिन हो जाने के बाद में अधिकतम कितने समय के लिए हमें उसका दूध निकालते रहना चाहिए और कम से कम कितने दिनों के लिए उनका दूध जो है वो छोड़ देना चाहिए। पशु के दूध नहीं छोड़ने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा पशु का दूध छुड़वाया जा सकता है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जो भी किसान भाई हमारे पशुपालन करते हैं उनको ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों जब गाय जाती है या जब गाय की डिलीवरी होती है तो उसके 4 सप्ताह या 1 महीने बाद में उसका दूध अधिकतम या मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाता है, उसके बाद में धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो इस प्रकार से एक गाय जो है वो लगभग 305 से लेकर के 310 दिन तक या हम कह सकते हैं कि लगभग 10 महीने तक के दूध देती है। इसी प्रकार भैंस में उसकी डिलीवरी के बाद में 5 से 6 सप्ताह में उसका दूध अधिकतम या मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाता है और फिर उसके बाद में उसका दूध भी धीरे धीरे कम होने लगता है। अब इस दौरान गाय व भैंस की डिलीवरी हो जाने के बाद में या उसके बच्चा दे देने के बाद कम से कम 3 महीने बाद में उसका कृत्रिम गर्भाधान या AI करवानी चाहिए। अब कई बार HF गाय या होलिस्टीन गाय, HF क्रॉस गाय इत्यादि जो हैं वो 10 महीने के बजाय पूरे 12 महीने तक दूध देती रहती हैं, या हम कह सकते हैं कि अपनी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान ही दूध देती रहती हैं। पशु को कई प्रकार की समस्याएं होने की संभावनाएं बन जाती हैं, जिनमें सबसे पहली है कि पशु की ब्याहने के बाद में या उसकी डिलीवरी होने के बाद में उसकी दुग्ध उत्पादन क्षमता का कम हो जाना। दोस्तों दुधारू पशु के अडर डेवलपमेंट के लिए या हम कह सकते हैं कि उसकी गाभी के विकास के लिए कम से कम 2 महीने का ड्राई पीरियड होना जरूरी है, या हम कह सकते हैं कि उसके ब्याने के 2 महीने पहले से उसका दूध छोड़ देना बहुत जरूरी है। और अगर इस दौरान पशु का दूध हम बंद नहीं करेंगे तो उसका अडर डेवलपमेंट या गाभी का विकास नहीं हो पाएगा और ब्याने के बाद में पशु की दुग्ध उत्पादन क्षमता कम हो जाएगी। अब बात करते हैं दूसरी समस्या के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पशु की गर्भावस्था के अंतिम महीनों में उसके बच्चे का अधिकतम विकास होता है, या हम कह सकते हैं कि उसके बच्चे की जो शारीरिक वृद्धि है वो अंतिम महीनों में होती है और उसकी वृद्धि के लिए कैल्शियम, फास्फोरस जैसे तत्वों की आवश्यकता उसे पड़ती है। अब निरंतर दूध निकालने से ऐसे तत्वों की उसके शरीर में कमी होने लगती है और इससे बच्चे की शारीरिक वृद्धि भी प्रभावित हो सकती है। अब बात करते हैं तीसरे समस्या के बारे में। दोस्तों पशु के ब्याने के बाद में या उसकी डिलीवरी के बाद में उसके गर्भाशय में संकुचन होकर के उसके गर्भाशय में मौजूद प्लेसेंटा या गंदगी बाहर निकलती रहती है, जिसे कि मैल चटना भी कहते हैं। अब गर्भाशय में संकुचन के लिए भी पशु को कैल्शियम और फास्फोरस जैसे तत्वों की आवश्यकता होती है, परंतु निरंतर दूध निकालते रहने से ऐसे तत्वों की उसके शरीर में कमी होने लगती है, जिससे पशु के ब्याने के बाद में या उसकी डिलीवरी के बाद में उसके गर्भाशय में संकुचन या तो कम पड़ जाते हैं या फिर संकुचन बिल्कुल भी नहीं होते, जिससे ब्याने के बाद में जो गंदगी पशु के शरीर से या हम कह सकते हैं उसके गर्भाशय से बाहर निकल जानी चाहिए वो उसके गर्भाशय में ही रह जाती है, जिसकी वजह से उसके गर्भाशय में इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्शन होकर के मावाद भी पड़ सकती है। इस प्रकार इन्फेक्शन की वजह से ऐसे पशुओं में ब्याने के बाद में उनका दूध अचानक से कम पड़ने लगता है। इसके अलावा कैल्शियम और फास्फोरस की कमी की वजह से पशु की जड़, जेर या जिसे मेली भी कहते हैं, हो सकता है उसके पड़ने में देर हो जाए या ना भी पड़े, जिससे पशु के गर्भाशय में इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो चलिए बात करते हैं
कि लगभग 10 महीने तक दूध देने के बाद में अगर पशु दूध बंद नहीं करता है तो कैसे हमें धीरे धीरे कम करते हुए उसका दूध बंद कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला आता है इनकम्प्लीट मिल्किंग, या पशु के अर्डर में दूध की मात्रा जो है वो धीरे धीरे कम करते हुए उसे बंद कर देनी है। अब मान लीजिए कोई पशु एक टाइम पे 5 किलो दूध दे रहे हैं, तो अगले दिन हमें उसका 4.5 किलो दूध निकालना है, उसके अगले दिन 4 किलो, फिर 3 किलो, ऐसे करते करते धीरे धीरे उसका दूध बंद कर देना है। दूसरा तरीका है इंटरमीटेंट मिल्किंग करके, यानी कि पशु का दूध पहले हमें एक दिन छोड़ के निकालना है, फिर 2 दिन छोड़ के निकालना है, ऐसे करते करते धीरे धीरे उसका दूध बंद कर देना है। तीसरा तरीका है कंप्लीट सीजेशन ऑफ मिल्किंग, यानी कि पशु का दूध निकालना अचानक से बंद कर देना। दोस्तों ये जो तरीका है वो मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इस तरीके में मैस्टाइटिस या थनेला होने के चांसेस जो हैं वो अन्य तरीकों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा पशु को प्रतिदिन जो पीने का पानी हम दे रहे हैं उसकी मात्रा भी हमें कम कर देनी है। इसके अलावा पशु को प्रतिदिन देने वाला कंसंट्रेट या बांट, जिसमें कि दलिया, चनाचूरी, मूंगचूरी, खल इत्यादि आते हैं, उनकी मात्रा भी हमें कम कर देनी है। तो दोस्तों ये कुछ मुख्य तरीके हैं जिनके द्वारा पशु का दूध बंद किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।